पुलिस कांस्टेबल की पत्नी, मन में सरकारी नौकरी का ख्वाब, पर आज पहचान एक युवा सांसद के रूप में। हम बात कर रहे हैं सचिन पायलट की खास संजना जाटव की। जी हां, राजस्थान में कांग्रेस ने इस बार शानदार प्रदर्शन किया है। 25 में से 8 सीटें जीतकर कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है। इन 8 सीटों में सबसे ज्यादा चर्चा भरतपुर लोकसभा सीट की हो रही है और इसकी वजह है संजना जाटव। संजना जाटव राजस्थान की सबसे युवा सांसद बन नया रिकॉर्ड बनाया है। इनकी उम्र सिर्फ 26 साल है। इनका जन्म 1 मई 1998 में भरतपुर के भुसावर गाँव में हरभजन और रामोती के घर हुआ था। पिता हरभजन अभी ठेकेदार हैं। इससे पहले ये उप सरपंच थे। संजना जाटव ने अपने गांव से 12वीं तक की पढ़ाई की। 12वीं पास करने के बाद 2016 में इनकी शादी राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल से होती है, जिनका नाम कप्तान सिंह है, और इनके 2 बच्चे हैं। संजना की इच्छा सरकारी नौकरी करने की होती है तो इनके पति कप्तान सिंह ने महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय के गांधी ज्योति कॉलेज में BA में एडमिशन दिलाया। BA करने के बाद संजना जाटव की रुचि वकालत की हुई तो अलवर के लॉर्ड्स यूनिवर्सिटी से LLB किया। जब संजना वकालत कर रही थी तो राजनीति में दिलचस्पी लेने लगी और जिला परिषद का चुनाव लड़ी और जिंदगी के पहले चुनाव में जीत हासिल की। यहीं से SC वर्ग के युवा चेहरे के तौर पर वो धीरे धीरे उभरने लगी। संजना अपनी पहचान जिला स्तर पर बढ़ाने लगी। इस दौरान संजना महिला सशक्तिकरण को महिलाओं तक पहुँचाने के लिए कांग्रेस के लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान से जुड़ गयी। लोगों के हक के लिए आवाज उठाने लगी। बताया ये जाता है कि प्रियंका गांधी का अभियान लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के लिए बेहतर काम तो प्रियंका गांधी के बेहद ही करीब हो गई, जिस वजह से कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव में कठुमर सीट से टिकट दिया। लेकिन संजना BJP के प्रत्याशी रमेश खींची ने सिर्फ 409 वोट से हार गई थी। इस हार के बाद संजना के पिता को सदमा लग गया और मृत हो गई। संजना जाटव चुनाव हारी, पिता को खोया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। लोगों के समर्थन से हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ने एक बार फिर भरोसा दिखाते हुए राजस्थान CM भजन लाल शर्मा का जिला यानी कि भरतपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया। वहीं इनके सामने BJP के पूर्व सांसद रामस्वरूप कौली थे। संजना चुनाव जीतने के लिए जमकर प्रचार प्रसार और इनके लिए प्रियंका गांधी से लेकर सचिन पायलट जनसभा भी किए। इसके अलावा राजस्थान के जाने माने नेता भंवर जितेंद्र सिंह और विश्वेंद्र सिंह जैसे कई दिग्गज नेताओं ने फुल सपोर्ट किया। इसका नतीजा ये हुआ कि संजना जाटव को कुल 5,79,890 वोट मिले तो वहीं रामस्वरूप को 5,27,907 वोट मिले और 51,983 से जीत कर ये पहली बार सांसद बनी और पूरे राजस्थान में चर्चे में आ गई। संजना जाटव की जीत के बाद एक ठुमके वाली वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। लोग संजना जाटव को कांग्रेस के एक उभरते सितारे की तरह देख रहे हैं, जो लोगों के लिए बढ़ते अपराध, महंगाई, बेरोजगारी और पानी, बिजली, सड़क की कमी और किसानों को उचित मूल्य, खाद और बिजली दिलाने जैसे मुद्दों से निपटने के लिए अभियान चला रही हैं। संजना के पास करीब 23,10,193 रुपए की प्रॉपर्टी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिकल पंचायत।